माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ योर अटेंशन। बीएससी पार्ट वन मैथ्स पेपर फर्स्ट में ग्रुप थ्योरी में आपका परम्यूटेशन एंड सिमेट्रिक ग्रुप का फोर्थ पार्ट है आपका ये। इसके पहले आपको जो है तीन पार्ट दे चुके हैं, बता चुके हैं। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोजिशन के बारे में। ट्रांसपोजिशन, अब ट्रांसपोजिशन के लिए जो है ए साइकिल ऑफ लेंथ टू, साइकिल ऑफ लेंथ टू इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ए साइकिल ऑफ लेंथ टू इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 5, ठीक इस तरह से। इसमें देखिए टू ही है आपके, जो है टू साइकिल्स हैं आपकी। लेंथ साइकिल की कितनी है, टू है आपकी, यानी 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 5, 5 goes to 3। तो इस तरह से आपकी ये ट्रांसपोजिशन है। अब ट्रांसपोजिशन के लिए देखिए, आप इसको यूनिक नहीं होते हैं ट्रांसपोजिशन। ये आपको देखिएगा, इससे जैसे आप ये 1, 2, 3 and 4 इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1, 4, 1, 4, 1, 4 लिख सकते हो। ये कामा नहीं लगाइए, कामा हमेशा मानिएगा आप इसके बीच में। तो 1, 4 लिख सकते हो, 1, 3 लिख सकते हो, 1, 2 लिख सकते हो, 1, 4, 1, 2, 1, 3 इस तरह से आपके पास ये 3 हो गए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वह 1, 3, 1, 3 या 2, 3 लिख दीजिएगा, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2 and 3, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 इसमें जो है 4, 2, 1, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 1, 2 और जो है आप इसमें जो है 4, 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कितने भी लिखेंगे, लेकिन आपको हमेशा जब भी मिलेंगे तो ये आपके यूनिक नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि इनका जो नंबर्स होते हैं वो आपको या तो ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा आपको। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 .. या एलिमेंट्स दिए हैं। तो 1 एलिमेंट्स दिए हैं, इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, 1n लिख देंगे। लास्ट से चलते हैं, क्या लिख देंगे, 1n, फिर 1n-1 लिख देंगे, n-1 लिख देंगे, फिर 1n-2 लिख देंगे, फिर 1n-3 लिख देंगे, .. चले जाइएगा, फिर
वन थ्री लिख देंगे, वन टू लिख देंगे, इस तरह से इसको ट्रांसपोज अगर नियन दिए हैं तो इस तरह से इसको ट्रांसपोजिशन में यानी टू साइकिल्स की लेंथ में ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे माय डियर। अब ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे, इसमें कह रहा है एवरी साइकिल एंड हेंस एवरी कम परम्यूटेशन, यहाँ पे लिखिए हेंस एवरी परम्यूटेशन, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एवरी ट्रांसपोजिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ कोर्स यानी यू है बट इट इज नॉट यूनिकली, लेकिन ये यूनिकली नहीं होता है आपका, ये नहीं होता है नॉट यूनिकली, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसके कोई भी ट्रांसपो आपका परम्यूटेशन दिया है उस परम्यूटेशन को हम प्रत्येक परम्यूटेशन को लिख सकते हैं जो है लेंथ टू की साइकिल्स में जिसको हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे, तो प्रत्येक साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यूनिकली नहीं होते हैं कि उसी प्रकार से होंगे, सिर्फ ये है ये हमेशा जो है आपके नंबर इनके सेम रहेंगे, आपके नंबर क्या रहेंगे आपके इनके हमेशा सेम रहेंगे। हम देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, ए परम्यूटेशन एफ ए परम्यूटेशन एफ इज said to be even permutation if it can be expressed as a product of even number of permutation you come transposition even number of transposition कह रहा है एक कोई परम्यूटेशन दिया है अगर उसको आप ट्रांसपोजिशन में जो है एक्सप्रेस करें, क्योंकि अभी आपको बताया कि इवन परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए जो है ट्रांसपोजिशन, अब अगर ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं तो ट्रांसपोजिशन की नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यानी कि ऑड और इवन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ट्रांसपोजिशन में परम्यूटेशन को फाइंड करना है, फिर उसके नंबर देखना है ट्रांसपोजिशन यानी कि जो है ट्रांसपोजिशन कितने ऑड नंबर का है या इवन नंबर का है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अब जो है एंड इज सेट टू बी
ऑड परम्यूटेशन परम्यूटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब ये ऑड नंबर में आप ट्रांसपोजिशन में आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये तो हुआ आपका पहले, सबसे पहले परम्यूटेशन को, गिवन परम्यूटेशन को हम क्या करेंगे ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करेंगे, और ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देखेंगे। अगर वो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपके इवन है तो इवन परम्यूटेशन कहलाएगा, अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑड हैं तो वो ऑड परम्यूटेशन होगा आपका। नोट में देखिएगा, या रिमार्क कर दीजिएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी परम्यूटेशन आइडेंटिटी आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन। सेकेंड इज दिस ए साइकिल ऑफ लेंथ आर ए साइकिल ऑफ लेंथ आर ए साइकिल ऑफ लेंथ आर दैट इज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए आर। ये आर लेंथ की आपकी साइकिल है। इज एन इवन और ऑड इज एन इवन और ऑड इज एन इवन और ऑड परम्यूटेशन परम्यूटेशन इफ इवन और ऑड परम्यूटेशन अकॉर्डिंग एज आर इज ऑड ऑड आर इज ऑड आर इवन आर इज ऑड और इवन। देखिएगा जो है यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये साइकिल हमारी दी है और साइकिल के लेंथ जो है लेंथ इसकी आर जो है अगर इवन है तो ऑड होगा आपका। अगर वो साइकिल की लेंथ कैसी है इवन है तो ऑड होगा, अगर ऑड है तो इवन होगा, तो इवन होगा आपका और इवन। ओके तो इस तरह से आपके पास ये फॉर एग्जांपल देखते हैं।
1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड ये है 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, इस तरह से है माय डियर। देखिए ये आपका किस तरह का परमिटेशन है, इज इवन परमिटेशन कह रहा है। क्यों इज इवन परमिटेशन कह रहा है, क्यों कह रहा है देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें एफ इक्वल टू 1 goes to 2 एंड 2 goes to 3 एंड 3 goes to 4 3 goes to 4 एंड 4 goes to 5 एंड 5 goes to 1, फिर से एक साइकिल बन गई। क्या बन गई? साइकिल। अब ये साइकिल में देखिए कितने आर इक्वल टू, इस साइकिल की लेंथ कितनी है, आर इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 5, यानी ऑड नंबर है आपका ये, दिस इज ऑड नंबर। 5 क्या है आपका? ऑड नंबर है। अब आर यहाँ लेंथ, जो आर साइकिल की आर लेंथ है वो 5 ऑड नंबर है, हेंस अब ये कैसा होगा आपका? इवन नंबर होगा। क्यों होगा? इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जो है 1 5 1 5 1 4 1 3 1 3 1 2, इस तरह से इसको ट्रांसपोजिशन में लिख देंगे। कितने ट्रांसपोजिशन में लिख देंगे? ट्रांसपोजिशन में लिखा आपने, इस परमिटेशन को आपने ट्रांसपोजिशन में लिखा। अब ट्रांसपोजिशन देखिए कैसे लिखा, 1 और मैंने अभी फार्मूला बताया 1 और लास्ट n, फिर इसके पीछे वाला, फिर इसके, इस तरह से आपने ये परमिटेशन 1 2 3 4, कितने परमिटेशन नंबर ऑफ परमिटेशन कितने हैं? 4 हैं आपके पास नंबर ऑफ परमिटेशन। यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन, सॉरी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 4, दैट इज इवन इवन नंबर इवेंट नंबर। अब यहाँ से देखिएगा ये इवेंट परमिटेशन हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इसमें इवन है, और यहाँ से देखिए क्योंकि आर साइकिल है तो साइकिल की लेंथ जो है आपकी कितनी है, ऑड नंबर है, तो मैंने कहा था अगर साइकिल की लेंथ ऑड होगी तो इवेंट परमिटेशन होगा, यानी इससे कम हो जाएगा आपका, इवेंट परमिटेशन होगा आपका, हेंस एफ इज एन इवेंट परम्यूटेशन, एफ इज एन इवन परम्यूटेशन माई डियर। अब देखिएगा ये आपका, फिर देखते हैं 1 देखिएगा, अब नोट में लिखती है कुछ, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवेंट परम्यूटेशन, product of 2 event permutation is also even। अगर हम 2 permutation लें और वो event permutation हो तो उनका जो product आएगा वो भी event permutation ही होगा, permutation। second number में देखते हैं प्रोडक्ट जो है आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवेंट परम्यूटेशन
अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। थ्री नंबर में क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ इवेंट परम्यूटेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड इवेंट परम्यूटेशन एंड ए ऑड प्रोडक्ट ऑफ एंड इवेंट परम्यूटेशन एंड ऑड परम्यूटेशन इज एंड इज एंड इज एंड ऑड परम्यूटेशन। अगर अगर आपका जो है किसी अगर दोनों आपके इवन हैं तो इवन परम्यूटेशन, दोनों ऑड हैं, दोनों अगर आपके ऑड हैं तो ऑड परम्यूटेशन, दोनों अगर ऑड परम्यूटेशन हैं द टू ऑड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। तो अगर ऑड है तो ऑड है, इवन है तो इवन है, अगर एक ऑड है एक इवन है तो आपका ऑड परम्यूटेशन होगा, आपका कैसा होगा। दिस इज तो ये द प्रोडक्ट ऑफ टू इवेंट परम्यूटेशन इज आल्सो इवेंट परम्यूटेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज एन इवेंट परम्यूटेशन हो जाएगा। यहाँ पे इवेंट परम्यूटेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इवेंट परम्यूटेशन एंड ऑड परम्यूटेशन इज एन ऑड परम्यूटेशन। फोर नंबर में क्या होगा आपका, इनवर्स ऑफ इवन परम्यूटेशन, इनवर्स ऑफ इवन परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन एंड इनवर्स ऑफ ऑड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। अगर वो इवन परम्यूटेशन है तो उसका इनवर्स निकालेंगे तो वो भी आपका इवन ही निकलेगा, अगर ऑड परम्यूटेशन है तो ऑड निकालोगे तो उसका आपका ऑड ही निकलेगा। तो इस तरह से आपका ये ऑड परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन एंड ट्रांसपोजिशन, इसके बारे में इस लेक्चर में आपने सीखा, इस पार्ट में। ओके, थैंक यू।